हमारे चारों ओर फैले हुए इस विराट और अद्भुत तारामंडल तथा इस विशाल और अति सुंदर प्रकृति को देखने के बाद हमारा अंतर्मन गहन विचारों में डूब जाता है और सोचता है कि आखिर ये जगत कैसे बना और कौन है इस विशाल और अद्भुत विश्व का रचयिता। पुरातन काल से हम मानव उस अद्भुत सृष्टि रचयिता को मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में ढूंढ रहे हैं और उसके इस अद्वितीय ब्रह्मांड की संरचना को जानने के लिए विज्ञान भी बहुत समय से गहन संशोधन कर रहा है। हमारा एक चिंतनशील व्यक्तियों का समूह है जो विज्ञान और अध्यात्म के अभ्यास से इस विशाल और अद्भुत विश्व और उसके रचयिता को जानने की कोशिश कर रहा है। हमने चिंतन और ध्यान के द्वारा जो अनुभव और खोज की है वो इस छोटी सी फिल्म में हम संसार को बताना चाहते हैं। इस फिल्म में जो भी बातें बताई और दिखाई गई हैं वो हमारी अपनी सोच प्रणाली है, इसलिए दिखाए गए विचार और बातें अगर किसी के विचारों और बातों से मिलती होंगी तो वो सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ये कहानी हमारे अंतर जगत और बाह्य जगत की अद्भुत यात्रा है। समय की कमी के कारण हर एक विषय को संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। आप ये फिल्म देखकर अपने विचार हमें ब्लॉग पर भेज सकते हैं। आज हम देख रहे हैं मानव सभ्यता विज्ञान के द्वारा अति प्रगत हुई है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों के पतन द्वारा मानव ने हिंसाचार, आतंकवाद, धर्मों के लिए युद्ध और शीत युद्ध, गरीबी, ड्रग्स, बीमारियां, आणविक शस्त्रों का निर्माण, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था आदि अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजकीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिसके कारण आज सभी मानव जाति दुखी और अशांत हैं, क्योंकि हमने विज्ञान और आध्यात्म को बांटकर अलग अलग कर दिया है। लेकिन वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि जब विज्ञान पराभौतिक शक्तियों का अध्ययन करेगा तब वो कम समय में इतनी उन्नति करेगा जो अब तक अनेक शतकों में नहीं हुई है। लेकिन आज के वैज्ञानिक पराभौतिक शक्ति को न मानने के कारण विश्व के अंत के प्रश्नों में उलझ गए और उन्हें सही मात्रा में इस विश्व और उसकी प्रणालियों का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा के असली स्वरूप को न जानने के कारण आध्यात्म भटक गया और ईथर को न जानने के कारण विज्ञान भटक गया है। जिस दिन हम मनुष्य इस पराभौतिक शक्ति और ईथर शक्ति का अध्ययन करेंगे तब हम इस संसार को स्वर्णिम युग में परिवर्तित कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को ईथर शक्ति से आविष्कार कर अनेक संशोधन और उपकरण खोजकर बहाल किए। उनकी इच्छा थी कि सारी मानव जाति इन यंत्रों के द्वारा प्रकृति की इस ईथर की मुक्त ऊर्जा को उपयोग में लाए, लेकिन दुनिया की संकुचित और लालची राजकीय व्यवस्था ने उन्हें संसार के सामने नहीं लाया। उनके सारे संशोधन को गुप्त दस्तावेजों में बंद कर दिया और उनके हजारों संशोधन और ईथर पर चलने वाले उपकरण जो मानव जाति को मुक्त ऊर्जा देने के लिए बनाए थे जब्त किए। एक महान वैज्ञानिक दुनिया की नजरों से बाहर हो गया। लेकिन सत्य में बहुत ताकत होती है जो एक दिन इस दुनिया के सामने प्रत्यक्ष जरूर होगा। समय के निष्पक्ष हाथों ने विज्ञान के उन सत्यों को सामने लाया है जो सत्य हजारों सालों से छिपाए गए थे। इस फिल्म द्वारा स्वार्थी लोगों के जरिए आध्यात्म और विज्ञान में जो दीवार खड़ी की गई है वो एक ही पल में टूट जाएगी और फिर से आध्यात्म और विज्ञान का संगम होकर ये विश्व सुखमय बनने के कार्य में मदद करेगा। आज समस्त मानव जाति ऊर्जा के लिए भारी मात्रा में तेल, कोयला, गैस आदि का उपयोग कर इस पृथ्वी के वातावरण को दूषित कर रही है और साथ साथ इसी ऊर्जा की दौड़ में दुनिया में अनेक युद्ध और कूटनीतियां होकर संसार में दुख एवं अशांति बहुत मात्रा में बढ़ गई। आज मानव अपने आधुनिकीकरण द्वारा इस धरती के पर्यावरण में हर साल 40 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है।
इसके कारण पृथ्वी का सरासरी तापमान हर साल बढ़ रहा है और पृथ्वी के भूभाग से 60 मील ऊंचाई पर ओजोन वायु का नीले रंग का परत है, उसमें बड़े बड़े छेद आ रहे हैं। इस हरित गृह परिणाम के कारण दक्षिण और उत्तरीय ध्रुव की बर्फ पिघल रही है और सागर के पानी का स्तर बढ़ रहा है। आज दुनिया में अनेक तूफान, सुनामी, चक्रवात और भूचाल आदि ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। दुनिया का 96% बर्फ इन दोनों ध्रुवों पर जमा है और अगर ये सारा बर्फ पिघल गया तो समुद्र की ऊंचाई 300 से 400 फीट बढ़ सकती है, जिससे दुनिया भर में समुद्र किनारों पर बसे सारे शहरों का विध्वंस हो सकता है। मानव अपने गलत कर्मों द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण का नाश कर रहा है और दूसरी ओर अपने ही विनाश के लिए हजारों आणविक बॉम्ब्स बना रहा है। वर्तमान समय सारी दुनिया में 50,000 से भी ज्यादा आणविक बॉम्ब्स होने की संभावना है। एक ही टीजार बॉम्बा नामक बॉम्ब से विश्व के बड़े से बड़े शहर का पूरा विध्वंस हो सकता है। इस आणविक शस्त्रों पर अब तक 5,000 अरब डॉलर्स जितना खर्च हो चुका है और भी खर्च हो रहा है। मानो मानव अपने ही विनाश के लिए स्वयं ही जोरदार तैयारियां कर रहा है। साथ साथ दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति कम होती जा रही है। अमेरिका के सरकारी पर्यावरण विज्ञान सेवा संस्थान द्वारा दिए गए निबंधानुसार सन 1835 से 1985 तक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति प्रति वर्ष 5% कम होती जा रही है। गणितीय अध्ययन द्वारा भूवैज्ञानिक कहते हैं कि इसी रफ्तार से अगर चुंबकीय शक्ति कम होती जाएगी तो आने वाले कुछ ही सालों में वो बहुत कम हो जाएगी, जिस कारण पृथ्वी के ध्रुवों में परिवर्तन आने की संभावना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अनेक बार बदल चुका है और इसके सबूत भूवैज्ञानिकों को अंटार्कटिका महासागर के गहरे भूतल में मिले हुए हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति कम होने के कारण दुनिया भर में भूकंप और सुनामी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। ये सारी घटनाएं भविष्य में आने वाली विशाल सृष्टि परिवर्तन की निशानियां हैं। अब सृष्टि के परिवर्तन के लिए विश्व की अनोखी योजना कार्यान्वित होती दिखाई दे रही है। ब्रह्मांड में सृष्टि चक्र के आदि बिंदु के सानिध्य में 108 दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं और ये शक्तियां संपूर्ण विश्व में व्यापक गुप्त रीति से परिवर्तन कर रही हैं। अब परिवर्तन का वो समय आ पहुंचा है, क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का अविनाशी नियम है। संसार की हर चीज को सतो, रजो और तमो इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये विराट विश्व एक अद्भुत और अविनाशीय चक्रीय प्रणाली है, जिसमें परमात्मा, प्रकृति और हम आत्माओं का अद्भुत संबंध है तथा सृष्टि के इन अद्भुत और मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर ये सृष्टि का अजब खेल अनादि से लेकर अनंत तक चलता रहता है। परमात्मा इस परिवर्तन के चक्र में आते नहीं हैं, इसलिए सदैव सतो प्रधान रहते हैं, लेकिन आत्माएं और प्रकृति ये दोनों ही परिवर्तन के चक्र में आकर अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। तब कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा आत्माओं और प्रकृति को फिर से सतो प्रधान बना देते हैं। विश्व की अनावश्यक ऊर्जा शून्य होने के बाद इस धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत हो जाती है। सृष्टि परिवर्तन की ये प्रक्रिया कैसे होगी, यही बात हम आपको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। इस परिवर्तन की अद्भुत प्रक्रिया को जानने के लिए हमें स्वयं को जानना होगा कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, ईश्वर कौन है, वो कहां रहता है, इस ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना कैसी है, इसके रहस्यमय गणित और नियम क्या हैं, स्वर्णिम प्रकाशमान ईथर क्या है, एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, आदि आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें खोजने होंगे।
इस छोटी सी फिल्म में हमने संसार के बहुत सारे प्रश्नों का हल देते हुए कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य दुनिया के सामने रखे हैं, जो अद्वितीय और अद्भुत हैं। हम कौन हैं? Who are we? वास्तव में हम ये भौतिक शरीर नहीं हैं, जो विनाशी है। हम एक अविनाशी प्रकाशमय आत्मा है, जो अजर, अमर और अति सूक्ष्म है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ते हैं तो उसे मृत्यु कहा जाता है, और नव शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे जन्म कहा जाता है। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से इस शरीर के सभी 15 ट्रिलियन पेशियों को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत रखती है, और मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि द्वारा 100 अरब चेतापेशी के जरिए शरीर को नियंत्रित करती है। जब हम आत्मा इस देह का त्याग करते हैं, तब वही ईथर शक्ति, जो हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य अंग है, शरीर से हमारे साथ निकल जाती है और ये शरीर मृत हो जाता है। हम आत्माएं अपने पवित्रता की शक्ति द्वारा हमारे डीएनए पर प्रभाव डालते हैं, और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे डीएनए की संरचना होती है, जिससे फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे, वैसे ही हमारा शरीर और जन्म स्थान होता है। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा मानवीय शरीर ही लेती हैं, न कि कोई पशु की योनि में जाती हैं, क्योंकि मानव और पशुओं के डीएनए संपूर्णतः भिन्न हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक पेन रोज ने कहा है कि मानवीय चेतना ये क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति है, और ये मानवीय चेतना मस्तिष्क से नहीं बनती, लेकिन क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति की मूलभूत कंपन वृत्ति है। वैज्ञानिक पेन रोज और उनके सहयोगी वैज्ञानिक टॉमर ऑफ ने मानवीय चेतना को अति सूक्ष्म अवकाश की मूलभूत कंपन वृत्ति कहा है, जो क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति के द्वारा मानवीय मस्तिष्क पर कार्य करती है। आत्मा की सूक्ष्मता प्लैंक भूमिति 1.616 × 10⁻¹⁵ मीटर से भी अति सूक्ष्म है, जिसकी ऊर्जा की तरंगें प्लैंक समय 5.39 × 10⁻¹⁴ सेकंड में होती है। मानवीय मस्तिष्क का न्यूरॉन्स ये मूलभूत कंपन को पकड़ लेता है और इसके साथ वार्तालाप करता है। इस अति सूक्ष्म आत्मा में जानकारी भंडारण करने की क्षमता 1.568 × 10⁻¹५ सेकंड है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इतनी जानकारी भंडारण करने के लिए संगणक को 1.568 × 10³³ टेट्राबाइट इतनी हार्ड डिस्क लगेंगी। वैज्ञानिक इस क्वांटम बेसिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को अभी तक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा नहीं जान पाए, इसलिए वो इस बात को एक कल्पना मानते हैं। उनका कहना ये है कि मानवीय चेतना मस्तिष्क का ही एक अंग है, जो एक गलत मान्यता है। वास्तव में हमें इस अति सूक्ष्म आध्यात्मिक गुरुत्वीय ऊर्जा है, जिसकी मूलभूत कंपन वृत्ति के द्वारा हम मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, और मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि के द्वारा सारे शरीर को उसके 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा चलाती है। हम आत्मा मस्तिष्क के द्वारा इस शरीर को कैसे चलाते हैं, ये अति गहन विषय हम विस्तार रूप में अगले भाग में बताएंगे। हम कहां से आए? आत्माओं की दुनिया, अनेक मितीय अति शक्तिशाली प्रकाशमान ईथर जगत। शेक्सपियर ने कहा कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी अभिनेता हैं। हम सभी आत्माएं वास्तव में धरती पर जैसे मेहमान हैं। हम आत्मा इस विशाल भौतिक विश्व के पार उस परा भौतिक विश्व के रहवासी हैं। हम सभी आत्माएं इस परम धाम में एक उल्टे कल्प वृक्ष की तरह विराजमान होती हैं, जहां सभी धर्म की आत्माओं का अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र है। इस विराट मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा शिव है। आज के विज्ञान को ज्ञात होने वाले भौतिक जगत के ऊपर ये 6 मितीय जगत अनेक ईथर ऊर्जा के स्तरों से बना हुआ है, जिसको सिर्फ गहरे ध्यान के प्रयोग से ही खोजा जा सकता है। इस पराभौतिक विश्व को ही योगी लोग शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परम धाम
या सातवां आसमान कहते हैं, जो प्रकृति का छठा महातत्व स्वर्णिम प्रकाश कणों तथा ईथर ऊर्जा से बना हुआ है। इस परम धाम में हर धर्म की आत्माओं का अपना ऊर्जा का विभाग है, जहां आत्माएं अपने असली पवित्र और शांति स्वरूप में रहती हैं। ये अद्भुत जगत अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा से भरा हुआ है और इसकी ईथर O9 से लेकर ईथर O6 ऊर्जा की अनेक परतों में ये भौतिक जगत बंदिस्त है। ये विशाल भौतिक विश्व जो 4 मितीय है, जिसमें वस्तु 3 मितीय तथा समय 1 मितीय है, उस अनेक मितीय पराभौतिक विश्व का एक अंग है। इस पराभौतिक विश्व में समय 3 मितीय तथा वस्तु 1 मितीय हो जाते हैं। आज के वैज्ञानिकों को विश्व का आधा भाग ही पता है, लेकिन उसके ऊपर भी आधा भाग है, जिसमें सूक्ष्म वतन और मूल वतन समाविष्ट है। अगर हम आज ज्ञात होने वाले ब्रह्मांड के आधे हिस्से को ऊपरी हिस्से से जोड़ देंगे तो वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड बनेगा, जो 10 मितीय है, और तभी ब्रह्मांड के संदर्भ में खोजे गए सूत्रों का सही हल निकलेगा। ब्रह्मांड के 3 लोक हैं, एक स्थूल वतन, यहाँ मनुष्य प्राणी मात्राएं एवं 5 तत्वों का वास्तव्य है। 2 सूक्ष्म वतन, ये विश्व का ऐसा आकाश के पार का भाग है जहां तक मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जा सकता है। 3 मूल वतन, यहाँ पर सर्वोच्च सत्ता परमात्मा शिव एवं आत्माओं का वास्तव्य है, और इसी मूल वतन में छठा महातत्व ईथर बड़ी मात्रा में है। परमात्मा कौन है, उनका वास्तव्य कहां पर है? इस अद्भुत महातत्व में हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव अंतिम 10वें मितीय स्थान में विराजमान हैं। वो अत्यंत तेजोमय, प्रकाशमान और अति शक्तिशाली हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमात्मा सारी शक्तियों के गुणों के असीम सागर हैं, जिनका वर्णन पृथ्वी का कागज, सागर की स्याही और झाड़ की कलम से लिखा नहीं जा सकता। परमात्मा को संसार के बहुत सारे लोग सर्वव्यापी कहकर उन्हें सृष्टि के कण कण में मानते हैं, लेकिन परमात्मा की अति उच्च ऊर्जा की हमें सही पहचान न होने के कारण ईथर ऊर्जा को ही हम परमात्मा मानने लगे। भौतिक जगत के 5 तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इनमें ये ईथर शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण इन 5 तत्वों में ऊर्जा, वस्तुमान एवं बल का निर्माण होता है। लोगों ने इस ईथर तत्व को ही परमात्मा मान लिया, और इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी है, ये गलत मान्यता सारे जगत में प्रचलित हो गई। भौतिक शास्त्र के एकात्मता क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी 4 मूलभूत बल 10 मितीय विश्व में अति प्रचंड ऊर्जा माना 10^19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एकत्रित हो सकते हैं। ये वही जगत है जहां भौतिक जगत के सारे मूलभूत बल एकात्मता दैवी भूमिति क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं, जो अति प्रकाशित ईथर O9 की अनंत शक्ति से भरा हुआ है। परमात्मा शिव की शक्ति अति प्रकाशित ईथर शक्ति से भी अति उच्च चैतन्य शक्ति है, जिसकी याद से हम आत्मा पतित से पावन बनती हैं। अति प्रकाशित ईथर शक्ति पदार्थों में चेतना निर्माण करती है, लेकिन चैतन्यता नहीं, वो सिर्फ हम आत्माओं में और परमात्मा में ही है। इसीलिए परमात्मा और हम आत्माएं प्रकृति की शक्ति से भिन्न हैं, लेकिन हमारी चैतन्य शक्ति ईथर की शक्ति को संपूर्ण रीति से प्रभावित करती है। यही ईथर शक्ति फिर प्रकृति के 5 तत्वों को हमारे संकल्पों अनुसार प्रभावित करती है, लेकिन ईश्वर वो सर्वोच्च बल नहीं है जिससे प्रकृति के सारे मूलभूत बल निर्माण होते हैं। परमात्मा में प्रकृति को अधिकतम अनावश्यक ऊर्जा से 0 अनावश्यक ऊर्जा में परिवर्तन करने की शक्ति है, जो वैश्विक चक्र के अंत में प्रकाशमान ईथर की शक्ति से
दैवी भूमिति की संरचना द्वारा सारे ब्रह्मांड को फिर से सतो प्रधान अवस्था में लाता है। विविध धर्मों में परमात्मा के प्रति अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन अंततः सभी धर्मों में उसे वैश्विक प्रकाश के स्वरूप में ही माना गया है। अनेक धर्मों में परमात्मा के प्रति दी हुई मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म, मुंडका उपनिषद में कहा गया है, दीप्तिमान कमल के हृदय में ब्रह्मा का निवास स्थान है, जो प्रकाशों का प्रकाश है। हिंदू धर्म में शिव परमात्मा को निराकार ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में या पिंडी के रूप में पूजा जाता है। इस्लाम धर्म, पवित्र कुरान में कहा गया है, अल्लाह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रकाश है। क्रिश्चियन धर्म, बाइबल में कहा गया है, मैं इस जगत में प्रकाश के स्वरूप में आया हूं। बौद्ध धर्म, धम्मपद में कहा गया है, बुद्ध का तेज लगातार चमक रहा है। सिख धर्म, आदि ग्रंथ में कहा गया है, परमात्मा सत्य है और सबका प्रकाश है। निविवु अमेरिकन विश्वास, काबालया का गाना में कहा गया है, दैवी प्रकाश मेरे लोगों पर है। अफ्रीकन विश्वास, ट्राइबल अफ्रीकन में कहा गया है, परमात्मा सूरज है जो सारे जगह में प्रकाश फैलाता है। जुडेजम, सालमज में कहा गया है, परमात्मा मेरा प्रकाश है जिससे मुझे डरना चाहिए। तेवोज़्म, परमात्मा प्रकाशमय ऋषि है जो सभी की सेवा करता है। ईथर ऊर्जा, परा प्रकृति का छठा महातत्व। प्रकृति पांच तत्वों से बनी हुई है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इन सभी तत्वों में प्रकृति का छठा तत्व ईथर सब में मिला हुआ है, जिसकी मात्रा पृथ्वी तत्व में कम तो आकाश तत्व में सबसे ज्यादा है। इसलिए आकाश तत्व को ईथर भी कहा जाता है, लेकिन ये मान्यता गलत है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं प्रकाशित के स्वरूप में है जो परम धाम का स्थायी स्वरूप है, दूसरा ईथर ऊर्जात्मक तत्व से बना हुआ है और इस जगत के पांचों तत्वों में मिला हुआ है। इसी ईथर शक्ति को हम प्राण वायु, जीवन बल इत्यादि नामों से जानते हैं। द्वापर युग के आरंभ से करीब 2000 साल तक ये प्रकृति के सभी मूलभूत पदार्थ इस ईथर से बने हुए हैं। पहले ये मान्यता थी जो आज के वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, लेकिन ईथर ही वो ऊर्जा व प्रकृति की शक्ति है जिससे सारा जगत चलायमान एवं गतिशील है। वास्तव में ईथर का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे प्लैंक मैक्स की भाषा में विश्व का अंतिम भूमितीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसकी माप 10-35 मीटर की है। विज्ञान अब तक 10-20 मीटर तक का ही मापन उपकरणों द्वारा कर सकता है, उसके आगे इस अति सूक्ष्म तत्व को विज्ञान नहीं समझ सकता, इसलिए उसे कल्पना मानते हैं और यही विज्ञान की सबसे बड़ी भूल है। ईथर को विज्ञान की भाषा में पुंजीय निर्वात ऊर्जा कहते हैं, जिसकी घनता 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 5.16 × 10⁻³ ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर हम इस ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाएं, तारा मंडल और ग्रहों आदि को अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में भर देंगे तो इसकी घनता 5.16 × 10⁻५५ ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसका मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के ईथर में सारे ब्रह्मांड के दृश्य पदार्थों से भी अधिक 10 × 38 जितनी ऊर्जा विद्यमान है, जो अति भव्य और अति शक्तिशाली है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की ईथर में इतनी शक्ति है जिससे हम पृथ्वी पर फैले विशाल सागर के पानी का वाष्पीकरण कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि सारे विद्यमान जगत में ईथर की शक्ति कितने असीम स्वरूप में फैली हुई है। वो शक्ति अनंत ही है। तो जिस ईथर शक्ति से सारा ब्रह्मांड चलता है, वही शक्ति या बल इन पांच तत्वों में समाई हुई है। उसे विज्ञान ने नहीं मानने के कारण उन्हें भौतिक क्षेत्र के एकात्मता सिद्धांत के समीकरण सूत्र नहीं मिल रहे हैं।
बिना ईथर के अस्तित्व के विज्ञान सृष्टि के अद्भुत रहस्यों को तथा एकात्मता सिद्धांत को नहीं खोज सकता। यही ईथर प्रकृति के तत्वों के साथ एक एकात्म भूमितीय क्षेत्र के माध्यम से काम करता है, न कि एकात्म क्षेत्र के समीकरणों में। प्रकृति का गणित भूमिति में है, न कि बीज गणित में। ईथर को दैवी भूमिति की माध्यम से जाना जा सकता है, जिसकी खोज द्वापर युग के आरंभ में हुई थी और अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने इसका उपयोग कर अनेक अद्भुत वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, माया संस्कृति के पिरामिड्स आदि आदि। उन्हें पता था कि पृथ्वी की ईथर को ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी के ले लाइन पर इन पिरामिड्स, मंदिरों आदि ईथर ऊर्जा को खींचने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो ईथर शक्ति मिल सके। लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी के केंद्रीय गाभा को वो शक्ति कम मिलती गई और आज पृथ्वी का केंद्र बहुत ही कम मात्रा में ईथर शक्ति को ग्रहण कर पा रहा है, जिस कारण पृथ्वी पर बहुत प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और समय प्रति समय इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हम आत्माओं की मानसिकता व संकल्प शक्ति, जिसे चेतना क्षेत्र भी कह सकते हैं, वो ईथर की भूमितीय क्षेत्र पर पूर्णतः प्रभाव डालता है। अगर हमारे संकल्प शुद्ध तथा सात्विक हैं, तो ईथर के द्वारा 5 तत्वों की प्रकृति भी सात्विक और शुद्ध हो जाएगी। अगर हमारे संकल्प अशुद्ध या तामसी हैं, तो आज हम दुनिया का जो हाल है वो देख ही रहे हैं। वास्तव में हम मनुष्यों के संकल्प एवं विचार ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं, जिसका उदाहरण हम 9/11 का देते हैं। उस दुखद घटना के समय वैज्ञानिकों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भारी बदलाव नजर आए थे और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। लेकिन जब सभी मनुष्य एक ही संकल्प करते हैं, तो उसकी प्रतिध्वनि आवृत्ति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बदल देती है। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने इस घटना के प्रति एक ही समय पर दुख व्यक्त किया और इसी समय पर ग्लोबल कोहेरेंस नेटवर्क द्वारा पाए गए जानकारी में ग्लोबल रेजोनेंस परिणाम पाया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि पृथ्वी की कंपन आवृत्ति 6-8 हर्ट्ज के बीच में है, जो कि हमारे हृदय के कंपन आवृत्ति के समान है। इसलिए मानव का जागृत क्षेत्र ईथर शक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। यदि सूक्ष्म ईथर हम मनुष्य आत्मा के चेतना से अव्यक्त दैवी भूमितीय क्षेत्र के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसकी खोज आज तक नहीं हुई है। जिस दिन हम इस अति सूक्ष्म क्षेत्र की खोज करेंगे, उस दिन हम ब्रह्मांड के सारे रहस्य को जान पाएंगे। प्रकृति में ईथर 4 स्वरूप में 5 तत्वों पर कार्य करता है, जिससे सारा ब्रह्मांड और सजीव सृष्टि कार्यरत है। 1. सौम्य ऊर्जा ईथर, जिसका स्वरूप रेडियल एक्सपेंसिव सेंट्रीफ्यूगल के रूप में है, जो प्रकंपनों की जैविक बलों को एकत्रित करता है, जिससे पृथ्वी जैविक जीवों का निर्माण करती है। 2. प्रकाशमय ईथर, इसका स्वरूप भी रेडियल एक्सपेंसिव सेंट्रीफ्यूगल के रूप में है, जो प्रकृति के पदार्थों को दृश्यमान बनाता है। ये पशु पक्षी और मानव में देखने की क्षमता का निर्माण करता है। प्रकृति के प्रकाश कणों की गति और ऊर्जा को ये नियंत्रित करता है। 3. रासायनिक ईथर, इसका स्वरूप सक्शनल कॉन्ट्रैक्टिव सेंट्रीपीटल का है, जो प्रकृति की सभी क्रिया प्रक्रियाओं की संरचना में सुसंगति लाता है। 4. जीवन ईथर, इसका स्वरूप भी सक्शनल कॉन्ट्रैक्टिव सेंट्रीपीटल जैसा है और वो वस्तु के ऊर्जा और उसके आसपास के अवकाश को एकत्रित करता है। प्रकृति के 5 ही तत्वों की शक्ति का 7 रूपों में ऊर्जा करण बिखरा हुआ होता है, जैसे विद्युत चुंबकीय शक्ति का ऊर्जा करण प्रकृति में गामा किरणों से लेकर रेडियो वेव तक दिखाई देता है। प्रकृति के 4 मूलभूत बल हैं, जैसे गुरुत्वीय बल, अणु का तीव्र बल, दुर्बल बल और विद्युत चुंबकीय बल आदि ईथर के इन्हीं 4 ऊर्जा स्वरूपों का परिणाम है। ईथर की शक्ति से हम प्रति गुरुत्वीय क्षेत्र का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम पृथ्वी के ऊपर और इस धरती पर कहीं भी बिना ईंधन के घूम सकते हैं।
यही ईथर सारे ब्रह्मांड में 99.99% व्यापक है। सारे दृश्यमय वस्तुमान इस ब्रह्मांड में सिर्फ 0.01% है जो हमें इन नेत्रों से दिखाई देता है। ये रचना अजब और गजब है। इस सृष्टि की और उसके भूमितीय सिद्धांतों की इसी ईथर से प्रकृति बनती है, तो अवकाश प्रकृति का निर्माण करता है, न कि प्रकृति अवकाश का निर्माण करती है। लेकिन आज विज्ञान सिर्फ प्रकृति का ही संशोधन कर रहा है। जिस दिन विज्ञान ईथर पर संशोधन करेगा, उस दिन हमें सृष्टि के सारे अद्भुत नियम और शक्तियों का ज्ञान होगा। एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र, दैवी या ईश्वरीय भूमिति प्रकृति के 5 तत्वों की अपनी एक भूमिति संरचना है। भौतिक जगत के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को 5 प्लेटोमिक्स भूमिति के रूप में जाना जाता है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में इसे दैवी भूमिति के रूप में देखा गया है। द्वापर युग की शुरुआत में इन 5 तत्वों की एक ही एकात्मता दैवी भूमिति संरचना को जानने की कोशिश की थी। जैसे जीवन का भू फ्लावर ऑफ लाइफ की संरचना में विश्व की 13 वर्तुलाकार प्रणालियों के नियमों की निर्माण की संरचना देखी जा सकती है। इसी संरचना में वेसिका पीसीस, मेटाट्रॉन्स क्यूब तथा ट्री ऑफ लाइफ आदि प्राकृतिक भूमिति की संरचना देखी जा सकती है। ये चिन्ह संसार के सभी प्राचीन संस्कृति की कलाकृति में पाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों द्वारा पिरामिड जैसी संरचना से मानव ने ईथर शक्ति को जीवन में संचालित करने का प्रयत्न किया था। संगीत के 7 स्वर इसी दैवी भूमिति से निर्माण होते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि आवृत्ति ओम की ध्वनि में है। प्रकृति के 5 तत्वों की मूलभूत भूमिति संरचना एक दूसरे के साथ फिबोनाची और गोल्डन रेशियो द्वारा पदार्थों का निर्माण तथा क्रिया प्रक्रिया करती रहती है। वर्तमान समय में विज्ञान इन भूमिति क्षेत्र को नहीं मानते, इसके कारण वो ईथर शक्ति को समझ नहीं सकते और प्रकृति की अद्भुत संरचना से दूर चले गए, मानो अंधेरे में भटक गए। वर्तमान समय में मनुष्य ने खोजे हुए सारे मूल द्रव्य की संरचना प्रकृति की इस दैवी गुण भूमिति द्वारा सिद्ध की जा सकती है। इसका परिचय 1980 में वैज्ञानिक रॉबर्ट ने किया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसे मानने से इनकार किया। हम आत्माओं का चेतना भूमितीय क्षेत्र है जो ईथर से दैवी भूमिति द्वारा कार्य करता है। इस सृष्टि में जो ऊर्जात्मक ईथर है वो O6 के प्रकार का है। परम धाम में जो ऊर्जाशील ईथर है वो स्वयं प्रकाशित ईथर है जो O9 के प्रकार का है, जिसकी दैवी भूमिति संरचना अत्यंत महीन और अति शक्तिशाली है। सृष्टि की ये अति सूक्ष्मता अति भव्य और अद्भुत है। ये विराट विश्व, परमात्मा, हम आत्माएं और प्रकृति की अद्भुत कार्य प्रणाली एक ही अद्वितीय दैवी भूमिति द्वारा कैसे कार्य करती है और ये अद्भुत अनादि खेल आदि से अंत तक कैसे चलता रहता है, इस रहस्य को हम अगली बार विस्तार से जानेंगे। ब्रह्मांड की संरचना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा है कि अगर आप विश्व को जानना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचो। इस विशाल भौतिक विश्व के पार पराभौमिक विश्व जो प्रकृति का 6ठा महातत्व स्वर्णिम प्रकाश कणों तथा ईथर ऊर्जा से बना हुआ है। इस 6ठे महातत्व या पराभौतिक जगत को विज्ञान की भाषा में प्रति तत्व कहते हैं और ये अद्भुत महातत्व इस विराट भौतिक विश्व को इस शुभ्र विवर द्वारा जोड़ा हुआ है। ये शुभ्र विवर इस अद्भुत और अति शक्तिशाली विश्व का द्वार है, जिसमें सारे ब्रह्मांड को घुमाने की विराट शक्ति है। ये शुभ्र विवर इस सारे ब्रह्मांड का गुरुत्वीय केंद्र है, जिसकी ईथर ऊर्जा से ये विद्यमान ब्रह्मांड चक्रीय गति में निरंतर घूमता रहता है। अभी इसकी गति घड़ी की दिशा में है। पृथ्वी के ऊपर बने कृष्ण विवर के कारण हम हर रात सारे तारामंडल को घड़ी की विरुद्ध दिशा गति में घूमते हुए देखते हैं। सारे ग्रह, तारामंडल,
पृथ्वी के ऊपर एक दिन में निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। हम आत्मा कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से इस शरीर को 7 चक्रों द्वारा चलाती हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी के 13 चक्रीय ऊर्जा केंद्र है, जहां से पृथ्वी के चुंबकीय केंद्रीय गाभा में ईथर ऊर्जा का प्रवाह होता है और पृथ्वी की इस चुंबकीय शक्ति का प्रभाव सारे प्राणी मात्राओं एवं प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ता रहता है। इसीलिए पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में होने वाली नैसर्गिक आपत्ति का ज्ञान प्राणी मात्राओं को पहले से ही हो जाता है। सारे ब्रह्मांड के 108 ऊर्जा केंद्र बिंदु हैं, जो ध्रुवीय तारा के साथ साथ जुड़े हुए हैं, जिससे सारी ईथर ऊर्जा ब्रह्मांड की तारा मंडलों को मिलती रहती है और वो कार्यरत रहते हैं। ब्रह्मांड के हर तारों का ध्रुवीय तारा के साथ सूक्ष्म संबंध होता है और शुभ्र विवर से ध्रुवीय तारा को शक्ति मिलती है, जिससे ये सारा तारा मंडल पृथ्वी पर निरंतर घूमता रहता है। ये विश्व गोडल विश्व की तरह है, जिसमें हर कण एक पूरे समय का चक्र लगाकर अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर घूमता हुआ आकाश तत्व ये सारा ब्रह्मांड चक्रीय गोडल विश्व की तरह है और जिसमें गुरुत्वीय शक्ति और शक्तिपुंज सूक्ष्म रूप में एकत्रित बंधायमान होकर चलते रहते हैं। प्रकृति की ये संरचना अत्यंत जटिल और अद्भुत है। ये चक्रीय गोडल आइंस्टाइन के क्षेत्रीय समीकरणों का एक अनुकूल उत्तर है। इस चक्रीय गोडल विश्व के द्वारा विद्यमान भौतिक जगत के बहुत सारे प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, जैसे कि सन कोरोना, सन न्यूट्रिनो प्रॉब्लम, ईपीआर पैराडॉक्स, वेव फंक्शन प्रॉब्लम आदि आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अगर वैज्ञानिक विश्व के इस संरचना को जान लेंगे तो सृष्टि के सारे रहस्य खुल सकते हैं और इस अद्भुत संरचना का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस 4 मितीय विश्व के पार 5 से 10 मितीय विश्व के ऊर्जाओं का शक्तिशाली आवरण है, जिसमें ये विद्यमान जगत बंधिस्थ है। 5 मितीय जगत से लेकर 10 मितीय विश्व तक पराशक्ति ईथर ऊर्जा की अद्भुत शक्तिमय संरचना है और इस अनेक मितीय विश्व को शुभ्र विवर के द्वारा इस 4 मितीय विश्व से जोड़ा गया है। परमात्मा 10 मितीय विश्व में अति प्रचंड ऊर्जा के रूप में विराजमान रहते हैं। ये जगत का सच्चा स्वरूप क्वांटम गुरुत्वीय चक्रीय गोडल विश्व में है, जिसको ईथर ऊर्जा सदा चक्रीय गति से घुमाती रहती है। इसलिए सृष्टि के हर भूमितीय संरचना में इसका स्वरूप पाया जाता है और यही सृष्टि की एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र है, जिससे प्रकृति का हर कण जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक प्रकृति के इस दैवी भूमिति को नहीं मानते, इसलिए प्रकृति की रचना को देखकर अत्यंत दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे बना है। इस सृष्टि की रचना 5 तत्व तथा 5 मूलभूत बलों से हुई है। 5 तत्व मुख्यतः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और मुख्य बल है गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अणु के क्षीण बल तथा तीव्र बल और अंत में ईथर बल। वर्तमान समय में वैज्ञानिक सृष्टि के अणु, रेणु और इसके भी अति सूक्ष्म कणों की रचना और उनके बलों की कार्य प्रणाली पर संशोधन कर रहे हैं। आज कणीय भौतिक शास्त्र के द्वारा वैज्ञानिक मूलभूत कणों की संरचना के माध्यम द्वारा इस विश्व की एकात्मता क्षेत्र सिद्धांत को ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद इन सभी कणों का कोई मूलभूत कण होगा या इन वैश्विक बलों का भी कोई एक सर्वोच्च बल होगा। अगर हम विश्व की इस एकात्मता क्षेत्र सिद्धांत के गणित समीकरणों को जान लेंगे तो विश्व का आदि, मध्य, अंत या उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 30 साल तक इसी सिद्धांत पर संशोधन किया और आज दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 60-70 साल से इसी भौतिकी सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक मुख्य भूल ये कर रहे हैं
कि वो सृष्टि के मूलभूत कणों का वर्गीकरण 5 तत्वों के रूपों में नहीं कर रहे हैं और इन्हीं 5 तत्वों के कणों में अद्भुत भौतिक संरचना बनी हुई है। उन सभी संरचना की एक एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र है जो सारे कणों को व तत्वों को जोड़कर रखता है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चलता रहता है। वैज्ञानिक इस एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र को मानते नहीं, इसलिए वो सृष्टि के इस अद्भुत एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र सिद्धांत को खोज नहीं पा रहे हैं। वास्तव में कोई एक मूलभूत कण नहीं है व कोई एक मूलभूत बल नहीं है। इस ब्रह्मांड का एकात्म भूमिति क्षेत्र ईथर के आकार के कणों में सजा जाता है। इसी भूमिति क्षेत्र में विश्व के सारे कणों और बलों की एक अद्भुत संरचना छिपी हुई है और उन्हीं संरचना के गणितीय सिद्धांतों पर यह विद्यमान जगत कार्यरत रहता है। यही एकात्मता क्षेत्र हमारे शरीर के 7 ऊर्जा चक्र, पृथ्वी के 13 ऊर्जा चक्र और ब्रह्मांड के 108 ऊर्जा चक्रों को एक ही संरचना में बनाए रखता है। और जब जब ये संरचना बिगड़ जाती है, उसमें अनावश्यक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब स्वयं परमात्मा अपनी इस ध्रुवीय ईथर शक्ति से सारे ब्रह्मांड को फिर से नए में परिवर्तित कर देता है। पृथ्वी की संरचना। ये विराट पृथ्वी अपने आप में एक असीम शक्तियों का और रहस्यों का भंडार है। वास्तव में हमारी ये विशाल पृथ्वी गोल नहीं बल्कि एक चक्ती की तरह स्थिर है और उस पर ये सारा ब्रह्मांड उस शुभ्र विवर के शक्ति द्वारा एक जालीय पिंजरे की तरह निरंतर चक्रीय दिशा में घूमता रहता है। आकाश में हमें जो ध्रुवीय तारा दिखाई देता है और जो सदैव स्थिर है, सारा ब्रह्मांड उसके चारों ओर चक्रीय दिशा में घूमता हुआ नजर आता है। ये ध्रुवीय तारा परम धाम की स्वर्णिम ईथर ऊर्जा से भरा हुआ है और शुभ्र विवर से जुड़ा हुआ है, जिसका ब्रह्मांड के हर तारों के साथ सूक्ष्म संबंध है। इसलिए इसके ईथर ऊर्जा से तथा शुभ्र विवर की चक्रीय गति से सारा तारा मंडल निरंतर पृथ्वी पर घूमता रहता है। ध्रुवीय तारा के कारण हर तारों को और आकाश गंगाओं को ऊर्जा मिलती रहती है। इस ब्रह्मांड की ये एक अद्भुत सच्चाई और प्रणाली है। ये पृथ्वी घूमती नहीं है और अगर ये घूमती रहती तो इस पर बसा ये सारा वातावरण नष्ट हो जाता और यहाँ जीव सृष्टि का निवास संभव नहीं था। इस स्थिर धरती पर सारा तारा मंडल, सूर्य, चंद्रमा आदि चक्रीय गति से निरंतर घूमने के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी का ऊपरी पर्यावरण निरंतर चार्ज होता रहता है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाशीय किरणों की गति चक्रीय होने के कारण वह धरती पर गोल आकार में गिरती है और हमें अवकाश से पृथ्वी गोलाकार नजर आती है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की किरणें कृष्ण विवर में से गुजरकर पृथ्वी पर पड़ती हैं। तब वो चक्रीय गति से नीचे की ओर आकर फिर से निर्माण स्थान के लिए जाने की कोशिश करती हैं। उसके कारण हम पृथ्वी पर दिन और रात अनुभव करते हैं तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश की इस वक्रीय गति के कारण होता है। जिस जगह पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं, वहां दिन, जहां नहीं आती वहां रात हो जाती है। अभी अंतरिक्ष में जो भी यान या उपग्रह चांद या मंगल ग्रहों पर जाने के लिए भेजते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के बाहर के क्षेत्र पर पहुंचते गिर जाते या तो भटक जाते हैं, जो जगह अभी तक खोजी नहीं गई है, क्योंकि अवकाश में जाने के बाद गति कम होने के कारण उस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पड़ जाता है, जिसके कारण यान या उपग्रह की दिशा बदल जाती है और वो चंद्र या मंगल ग्रहों पर जाते ही नहीं है। इसीलिए कोई भी यान या उपग्रह चांद या मंगल पर भेजना माना उस देश की संपत्ति और ऊर्जा को नष्ट करने जैसा ही है, क्योंकि पृथ्वी की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण वहां जाना पूरी तरह से असंभव है। इस धरती पर ही पदार्थों पर त्वरण कार्य करता है। अंतरिक्ष में त्वरण अस्तित्व में नहीं आता है। सभी तारामंडल और ग्रह त्वरण विरहित और वजन रहित हैं
और पृथ्वी के ऊपर करीब 36,000 किलोमीटर तक ही त्वरण सूक्ष्म रूप में रहता है। उसके ऊपर त्वरण नहीं रहता है, जिससे सारे उपग्रह चलते रहते हैं। अगर मानव अंतरिक्ष में और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो त्वरण समाप्त हो जाता है और अवकाश काल की संरचना में कतरन शुरू हो जाती है, जो अति चक्रीय गति के रूप में है और इसके कारण मानव पर G20 तक के बलों का कार्य चलता है और मानवीय शरीर मुड़कर आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे बने हुए कृष्ण विवर के कारण पृथ्वी के ऊपर के अवकाश की ऐसी जटिल रचना बनी हुई है। अपोलो और सुएज यान के कई यात्री चांद पर गए ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर की अवकाशीय संरचना के कारण मानवीय देह चक्राकार रीति से मुड़कर टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए इन यानों के पहले यात्री मर गए और उनके शरीर मुड़कर आ गए थे। गहरे अवकाशीय मिशन सफल होने का दावा करना ये सरासर विज्ञान जगत द्वारा आम जनता को फंसाने जैसा ही है, क्योंकि इन मिशन्स में देश की बहुत संपत्ति का अपव्यय होता है। आज सारा विज्ञान यूक्लिडियन भूमिति के आधार पर जगत का अध्ययन करता है और इस धरती पर हमें इसी भूमितीय आधार पर क्षितिज का दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि मानव का नेत्र तथा कैमरों के लेंस भी इस भूमितीय रचना द्वारा बने हुए हैं, जिस कारण हम क्षितिज के पार की भूमि को देख नहीं पाते हैं। अगर हम गोडल क्षेत्रीय भूमिति के द्वारा बने हुए लेंसों से क्षितिज को देखेंगे तो हमें क्षितिज के पार की भूमि भी दिखाई देगी, क्योंकि ये जगत गोडल मैट्रिक ज्योमेट्री की संरचना द्वारा बना हुआ है। इसी संरचना से सारे ग्रह तथा आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में गुरुत्वीय कक्षा रहित घूम रहे हैं। उनमें कोई गुरुत्वीय कक्षा निर्माण नहीं होती है, क्योंकि ये तारा मंडल और ग्रह वस्तुमान रहित है, जिनमें गुरुत्वीय बिंदु समान होते हैं और इसके कारण उनके बीच का गुरुत्वीय बल शून्य हो जाता है। ये सारे ग्रह और तारामंडल गोडल विश्व की चक्रीय अवकाश की रचना के सिद्धांत द्वारा चलते रहते हैं और पृथ्वी पर हर दिन पूरा चक्कर लगाते रहते हैं। ये पृथ्वी घूमती नहीं है, इसके बहुत वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जैसे कि संदर्भ परिवहन, गुरुत्वीय लहरों का आकलन और अदृश्य पदार्थों की खोज। प्रयोगों के निष्कर्ष में कुछ भी प्रमाण न मिलने के कारण ये सिद्ध होता है कि ये पृथ्वी घूमती नहीं बल्कि स्थिर है, और ये आकाश तत्व इसके ऊपर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर निरंतर घूमता रहता है। जब हम अवकाश से पृथ्वी की तरफ देखते हैं, तब प्रकाश के किरणों की चक्रीय गति और पृथ्वी के ऊपर के अवकाश की चक्रीय भौगोलिक रचना के कारण हमें अपने चक्षु तथा कैमरे की लेंसों द्वारा वो गोल नजर आती है। हमारे चक्षु तथा कैमरे के लेंस भी वही वक्र होने के कारण दूर की किरणें हमें गोलाकार नजर आती हैं, जिससे भूमंडल हमें गोलाकार भागों में महसूस होता है। पृथ्वी का चुंबकीय केंद्रीय गाभा इस पृथ्वी का हृदय है। सतयुग के आदि में पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में पारा की मात्रा बहुत थी और पारा से गाभा चारों बाजू से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पारा ईथर शक्ति को खींचता है और पृथ्वी के केंद्र को चार्ज करता रहता है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। लेकिन जब द्वापर युग आया, तब ये पारा बहुत मात्रा में सिलिकॉन में बदल गया और दक्षिण ध्रुव के बाहर की भूमि में फैल गया। अभी पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में पारा की जगह सिलिकॉन क्षेत्र भरा हुआ है, जो अर्धचालक है, और उसी वजह से पृथ्वी का केंद्रीय गाभा दो भागों में बंट गया है और हमें दो उत्तरीय ध्रुव दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को ये दो उत्तरीय ध्रुव कैसे बनते हैं, इसका ज्ञान नहीं है। सृष्टि चक्र का रहस्य। सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से बना हुआ है, जिसमें हरेक युग का समय 1250 साल का है। सतयुग और त्रेता युग मिलाकर 2500 साल का जो समय है, उसे स्वर्ग और द्वापर युग और कलयुग मिलाकर 2500 साल का जो समय है, उसे नर्क कहा जाता है। सृष्टि चक्र के पहले 2500 साल तक मनुष्य, आत्माएं एवं सृष्टि अपने मूलभूत गुणों के चरम सीमा में रहती हैं, और ये समय पूर्णतः सुखदायी हैं, जिसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म अकेला सिर्फ भारत खंड में बसा था,
लेकिन द्वापर युग से अनेक धर्मों और खंडों का निर्माण होकर धीरे धीरे मनुष्यों और सृष्टि के गुणों में गिरावट आती गई। अभी का समय सृष्टि परिवर्तन का छोटा सा युग संगम युग कहलाता है। इसी संगम युग में स्वयं परमात्मा भारत भूमि पर माउंट आबू में आकर मनुष्य तन ब्रह्मा का आधार लेकर इस सृष्टि का परिवर्तन कलयुग से सतयुग में करते हैं और अभी ये कल्याणकारी संगम युग भी पूरा हो रहा है। सारे विश्व का इतिहास तथा भूगोल इन चारों युगों से चक्रीय गति से 5000 वर्ष हूबहू गुजरता रहता है। प्राचीन सभ्यता इसे मानवता का वैश्विक समय चक्र कहती थी। संपूर्ण विश्व का नीचे और ऊपर का हिस्सा जोड़ने से विश्व चक्रीय आकार का मिलेगा। विश्व का चक्रीय होने से ही विश्व में होने वाली सारी प्रक्रियाएं चक्रीय हैं, जैसे कि पानी का चक्र, पर्यावरण चक्र, खड़क चक्र, कार्बन चक्र, अन्न चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऋतुओं का चक्र, सूर्यमंडलीय चक्र, दिन और रात का चक्र, पृथ्वी के गाभा की गति का चक्र, एसीएन डीसी विद्युत शक्ति का चक्रीय वहन और प्रकाश भी चक्रीय गति में ही अपना मार्ग पूर्ण करता है। विश्व चक्रीय होने के कारण सारी प्रक्रियाएं चक्रीय गति से चलती हैं और इसीलिए समय भी चक्रीय है, न कि सीधी रेखा में। इसी तरह युगों का भी चक्र है, जिसमें 5000 साल पूरा होने पर पुनरावृत्ति होती है। ये विराट सृष्टि चक्र परमात्मा, आत्माएं और 5 तत्वों की प्रकृति से बना हुआ है और ये तीनों इस विश्व में ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार संपूर्ण विश्व अगर ऊर्जा से बना हुआ है तो इस विश्व का न तो कभी निर्माण हुआ और न ही कभी नष्ट होगा, सिर्फ इसमें परिवर्तन आएगा। इस विश्व के निर्माण के बारे में डार्विन का सजीव उत्क्रांति का सिद्धांत एवं बिग बैंग सिद्धांत सरासर झूठ है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक पहले नियम के विरुद्ध है और आज तक थर्मोडायनामिक्स के नियमों को कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाया और इन नियमों को विश्व भर में माना गया है। तो आइए जानेंगे कि सजीव या विश्व उत्पत्ति के सिद्धांतों की क्या मर्यादाएं हैं। 1. डार्विन का सजीव उत्क्रांति सिद्धांत। दुनिया की कुछ बातें ये पूरी तरह से सिद्ध करती हैं कि डार्विन का सजीव उत्क्रांति का सिद्धांत संपूर्णतः गलत है। जैसे बंदर या गोरिल्ला प्राणियों के डीएनए अगर मनुष्य से तुलना की जाए तो दोनों के डीएनए में 98% का फर्क है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की निर्मिति ना तो बंदर या गोरिल्ला से हुई, नहीं तो संसार में कोई भी बंदर या गोरिल्ला न रहता, सभी मनुष्यों में परिवर्तित हो जाते। डार्विन के सिद्धांत को सिद्ध करने वाला गणितीय विश्लेषण कहीं भी मिलता नहीं। डार्विन के सिद्धांत में जीन्स के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है जो कि इसे सिद्ध कर पाए। डार्विन अपने जीवन की अंतिम यात्रा के दिनों में ये कबूल करते हैं कि अभी तक के दस्तावेज में ये नहीं पाया गया है कि कोई भी जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हुआ है। हम ये नहीं सिद्ध कर सकते कि एक भी जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हो सकता है। संदर्भ My Life and Letters, Volume 1, Page 210। 2. Big Bang Theory की मर्यादाएं। ये Big Bang Theory की मर्यादाएं थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम के विपरीत है। जैसे कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन इसमें कॉस्मिक अंडे से सभी ग्रह तारों का निर्माण दिखाया गया है। ए सिद्धांत के अनुसार मूल द्रव्यों का भारी मात्रा में नहीं मिलना। बी विश्व का आकारमान काफी बड़ा है, जो इस सिद्धांत के समय अनुसार संभव नहीं है। सी विश्व की आकाश गंगाओं की गति में अभी जो बदलाव नजर आते हैं उनका ये सिद्धांत विश्लेषण नहीं दे पाता। डी विश्व में फैला हुआ 96% डार्क मैटर, इसका विश्लेषण भी ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। ई विश्व का उसकी घनतानुसार फैलना और मोनोपोल का विश्लेषण ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। विश्व की आयु। विश्व की आयु मुख्यतः कार्बन डेटिंग पद्धति से तय की जाती है। इस पद्धति में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके कारण आज विश्व की आयु लाखों एवं
करोड़ों साल मानी गई है। कार्बन डेटिंग पद्धति की मर्यादाएं। कार्बन डेटिंग पद्धति की मर्यादाओं के कारण इस पद्धति में पदार्थों की उम्र में त्रुटियां पाई जाती हैं। भूतकाल कार्बन का व्यय होने के प्रमाण में बदलाव होता है, इसलिए इस पद्धति में गलत परिणाम पाए जाते हैं। इस पद्धति में दिए हुए नमूनों में डॉटर प्रोडक्ट्स होने की बहुत ही सहज संभावना रहती है। भूतकाल में पर्यावरण के बदलाव के कारण भी गलत परिणाम मिलते हैं। अति उच्च ऊर्जा कण, किरणोत्सारी खनिज और रसायन अगर इस नमूने के सानिध्य में आए तो कार्बन व्यय प्रमाण में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इस पद्धति में ऐसे माना जाता है कि नमूने का अंत का पदार्थ शीशा है, लेकिन उसमें यूरेनियम या थोरियम मिश्रित स्वरूप पाए जाते हैं। शीशा रेशियो की तुलना में त्रुटियां होने के कारण नमूने की सही उम्र मिलना संभव नहीं है। पृथ्वी के वैन एलन बेल्ट में चुंबकीय क्षेत्रों के बदलाव से भी व्यय प्रमाण में बदलाव पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम और कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा एक ही नमूने के परिणाम में अलग अलग आयु पाई जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रात्यक्षिकों में ये पद्धति को गलत पाया गया है। इस विश्व की आयु हजारों न कि लाखों या करोड़ों साल है। इसके प्रमाण पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का पूरा आयुर्मान 5000 साल है। शीशा से यूरेनियम में रूपांतरण करीबन 5000 साल में होता है। वैश्विक बाढ़ 5000 साल पहले हुआ था। हमारे पास इतिहास सिर्फ 5000 साल का ही मौजूद है। समुद्र में न तो भारी मात्रा में कीचड़ न ही सोडियम पाया गया है। जीवाश्म रेडियोधर्मिता के द्वारा भूशास्त्रीय आयुर्मान को कुछ ही सालों का पाया गया है। जब सृष्टि में मनुष्यों एवं प्रकृति के पांचों तत्वों के गुणों का पतन होता है तो हर 5000 साल के बाद विश्व का परिवर्तन होता है। इसीलिए विश्व की आयु सिर्फ 5000 साल ही है, न कि लाखों करोड़ों साल। सारे विश्व का इतिहास तथा भूगोल इन चारों युगों से चक्रीय गति से 5000 वर्ष हूबहू गुजरता रहता है। सतयुग। इस सृष्टि के प्रारंभ में हम सारी आत्माएं अपने स्वर्णिम ईथर ऊर्जा से भरपूर परम धाम घर में संपूर्ण शुद्ध स्वरूप में रहती थी। तब परम धाम का केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है, साथ साथ पृथ्वी का भी केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है। इस पृथ्वी पर तब हम आत्माएं देवी देवताओं के पवित्र स्वरूप में रहते थे। सारे विश्व पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। इसी अति प्रगत सतयुगी संस्कृति को आज लोग अटलांटिस एवं मारिया आदि नामों से ढूंढ रहे हैं और प्राचीन संस्कृतियां जैसे माया इजिप्ट आदि में इनके बारे में लिखा हुआ है। सतयुग की आदि में परम धाम की ईथर ऊर्जा पृथ्वी पर शुभ्र विवर के द्वारा निरंतर फैलती रहती है, जिससे सारा ब्रह्मांड एक अलग स्वर्णिम कणों द्वारा प्रभावित और तेजोमय रहता है। इस ईथर ऊर्जा की अखंड प्रवाह के कारण इस पृथ्वी पर जीव सृष्टि अपनी अति सतोप्रधान अवस्था में रहती हैं। तभी आकाशमंडल और भूमंडल का गुरुत्वीय केंद्र एक ही दिशा में होने के कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर सरल दिशा में घूमते थे, जिससे चंद्रमा हर रोज पूर्ण रूप से दिखाई देते थे, न कि कोई कला के रूप में। सतयुग त्रेता युग में सभी राशि के 108 तारामंडल आकाश तत्व में एक ही मुकुट की रचना अनुसार घूमते थे और सप्तऋषि तारे भी ध्रुवीय तारा के नीचे एक ही लाइन में थे। इस समय प्रकाश की गति बहुत धीमी होने के कारण दिन और रात भी 21-21 घंटे के थे। आकाश तत्व का घूमना भी धीमी गति से था, क्योंकि तब विश्व की घनता भी कम थी। ये सारा नजारा सतयुग और त्रेता युग में 2500 वर्ष तक सदा चलता रहता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्र चक्र में सदा विराजमान थी, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति आत्म अभिमानी थी। इस स्थिति के कारण हमारे अंदर इथर शक्ति का प्रवाह ध्रुवीय तारा के द्वारा निरंतर था और सारा तारामंडल हमारे संकल्पों पर चलता था।
सतयुग के आदि में पृथ्वी में पारा की मात्रा बहुत थी और पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पारा की इसी चारों बाजू से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पारा ईथर शक्ति को खींचता है और पृथ्वी के केंद्र को चार्ज करता रहता है, जिससे पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। सतयुग में पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति मोनोपोल थी और उसके सारे ऊर्जा केंद्र एक ही जगह केंद्रित थे, जिसके कारण फिर अक्षांश और रेखांश नहीं थे और पृथ्वी का भूभाग कमल की तरह बना हुआ था। सागर का पानी मीठा और शुद्ध था, जिसमें नमक जरा भी नहीं था। सागर पृथ्वी के सारे भूभाग पर चक्रीय तालाब की तरह फैला हुआ था, जो अभी दक्षिण ध्रुव के उस पार भी है, और सागर इतना गहरा भी नहीं था। हर जगह उस भूतल को हम देख सकती हैं। इतना सागर का पानी स्वच्छ, शुद्ध और पारदर्शक था। इस युग में हम मनुष्य आत्माओं की सतो प्रधान अवस्था के कारण प्रकृति हमारे आदेशों पर चलती थी। सतयुग के पुष्पक विमान टेस्ला कॉइल की प्रणाली पर ईथर ऊर्जा द्वारा चलते थे और वो हमारे संकल्प द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। वहां पर सोने के महल होंगे जो कि हीरों से जड़े हुए होंगे। वहां पर विज्ञान अपनी सतो प्रधान की चरम सीमा पर था। सतयुग में दो प्रकार के खनिज पत्थर होते हैं, एक किम्बलाइट और दूसरा लिम्प्रोलाइट, जिसमें बहुत प्रकार के हीरे पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश के किरणें अनेक रंगों में परिवर्तित तथा उत्सर्जित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इन्हीं हीरों द्वारा सतयुग के स्वर्णिम महलों में अनेक प्रकार के रंगों की रोशनी रहेंगी और इन हीरों से निकलने वाली किरणों का रंग हम अपने संकल्प द्वारा नियंत्रित या परिवर्तित कर सकते हैं। सतयुग में प्रकाश कणों की प्रकाश कोण डायनेमिक होती है, जिसके कारण जब विश्व महाराजन संकेत करेंगे कि दिन, तो सूरज की प्रकाश कणों का प्रकाश शंकु 180 अंश कोणीय में खुल जाएगा और सारी धरती पर एक ही समय दिन होगा, और जब रात का संकल्प करेंगे तब सारी पृथ्वी पर रात होगी, लेकिन उस समय चंद्रमा पर पड़ी हुई सूरज के किरणों का प्रतिबिंब धरती पर आएगा और चंद्रमा हर दिन पूर्ण रूप में रहेगा। चंद्रमा की किरणों का प्रकाश शंकु का कोणीय नियंत्रण भी हमारी संकल्प शक्ति द्वारा होगा। सतयुग में हमारा डीएनए 12 तंतुओं का बनेगा, जिससे हमारा शरीर अति सुंदर, शक्तिशाली और सूक्ष्म शक्तियों से भरपूर होगा, जिससे हमारी आयु 150 साल होगी और हम बूढ़े नहीं होंगे। हम अपनी इच्छा अनुसार शरीर को त्याग देंगे। हमारे मस्तिष्क पर तेजोमय वलय सदा रहेगा। इसीलिए मंदिरों में देवताओं के आगे दिए जलाते हैं, क्योंकि उनकी आत्म ज्योति सदैव जलती थी। देवी देवताओं का जन्म भी पवित्रता की शक्ति से, आंखों द्वारा नयन दर्शन से होगा। वहां काम विकार से कोई भी रचना नहीं होती है। वर्तमान समय में मोर पंछी का जन्म भी उसके आंख से निकले हुए आंसुओं को मादा मोर पंछी ग्रहण करने से होता है। इसीलिए उसकी पवित्रता के कारण कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सतयुग में प्राणियों की रचना मैग्नेटिक फील्ड के रूप में खिलौनों के रूप में होगी और वो बहुत सुंदर और सात्विक होंगे। हम मनुष्य आत्मा सतयुग से लेकर त्रेता युग तक सदैव आत्मिक स्वरूप में 2500 वर्ष तक शुद्ध पवित्र स्वरूप में थी। सतयुग की प्रगत वैज्ञानिक संरचना तथा तकनीकी के बारे में हम आपको अधिक विस्तार में अगले भाग में बताएंगे। द्वापर युग। हम आत्माओं की पवित्रता ब्रह्मांड के ईथर ऊर्जा और गुरुत्वीय बल को नियंत्रित करती है। इसलिए जब हमारी मानसिकता में बदलाव आते हैं तो प्रकृति में उसी रूप में परिवर्तन होता है। द्वापर युग की शुरुआत में हम मनुष्य आत्मा अपने आप को आत्मा भूलकर देह समझने लगते हैं, जिससे हम आत्माओं की पवित्रता सतो से रजो प्रधान में होने के कारण ब्रह्मांड के अवकाश और काल की रचना में बदलाव आते हैं। पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों जगह की अवकाश में चक्रीय भौगोलिक रचना में दो कृष्ण विवरों का निर्माण हो जाता है। इस कारण पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में विद्युत रोधक मूल द्रव्य का निर्माण हो जाता है और पृथ्वी का केंद्रीय गाभा
जो एक चुंबकीय क्षेत्र था वो दो चुंबकीय क्षेत्र में बंट जाता है, जिससे सारे भूखंडों में हलचल हो जाती है और वो बिखर जाते हैं। इस घटना को वैज्ञानिक बेंजिया इवेंट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की अदला बदल होती है, ये सत्य भी वैज्ञानिकों को सागर के तलों में मिला हुआ है। साथ ही साथ पृथ्वी के गाभा की चुंबकीय शक्ति कम होना शुरू हो जाती है, जो कलयुग के अंत में पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है। द्वापर युग में पृथ्वी पर आए भूकंप, प्रलय आदि के कारण ये अति प्रगत सतयुगी संस्कृति समुद्र में चली जाती है, जिसे आज लोग अटलांटिस एवं मारिया आदि नामों से ढूंढ रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर दो कृष्ण विवरों का निर्माण हो जाने के कारण आकाश तत्व सिकुड़ जाता है और धरती के ऊपर आकाश तत्व में दो आकाश निर्माण हो जाते हैं। एक आकाश उत्तर ध्रुवीय से लेकर विषुववृत्त तक बनता है और दूसरा विषुववृत्त से लेकर दक्षिण ध्रुवीय तक बनता है। उत्तर ध्रुवीय आकाश तत्व में प्रकाश कण घड़ी की विरुद्ध दिशा में घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र घड़ी की विरुद्ध दिशा में घूमता है, इसलिए हमें आकाश में तारामंडल आदि घड़ी की विरुद्ध दिशा में घूमते नजर आते हैं। और दक्षिण ध्रुवीय आकाश तत्व में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र घड़ी की दिशा में घूमता है, इसलिए प्रकाश कण उसी दिशा में घूमते हैं, इसलिए हमें यहाँ तारामंडल घड़ी की दिशा में घूमता नजर आता है। साथ साथ पृथ्वी की भूमंडलीय सीमा भी सिकुड़ जाती है और पृथ्वी अवकाश की परिमितीय अधिक चक्रीय हो जाने के कारण प्रकाश चक्रीय गति से शंकु की तरह पृथ्वी पर गिरने लगती है, जिससे अभी हमें पृथ्वी गोल नजर आती है। ये स्थिति ही वास्तविक रूप में ब्रह्मांड के गुरुत्वीय केंद्र को पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र से 23.5 अंशों तक झुका देते हैं और द्वापर युग की शुरुआत में आकाश तत्व 70-80 अंशों में पृथ्वी की दिशा में घूम जाने से हो जाता है। पृथ्वी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो सतयुग में 100% था, वो द्वापर युग तक एक ही यूनिफाइड फील्ड था, वो टूटकर दो भागों में बंट जाता है। द्वापर युग से पृथ्वी पर ईथर शक्ति का स्रोत कम होना शुरू हो जाता है और इसकी आंतरिक संरचना बदलना शुरू हो जाती है। पृथ्वी केंद्रीय गाभा की शक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, जिससे द्वापर युग की शुरुआत में जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। परम धाम का मध्य गुरुत्वीय केंद्र जो शून्य था, वो हम आत्माओं की आत्मिक शक्ति के कारण पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण में बदल जाता है। इस परिवर्तन को समानांतरित करने के लिए परमात्मा को सूक्ष्म लोक का निर्माण करना पड़ता है। उसी समय आकाश तत्व में शुभ्र विवर के नीचे कृष्ण विवर का निर्माण हो जाता है और इस सूक्ष्म लोक में परमात्मा स्वयं आकर बस जाते हैं। द्वापर युग में पृथ्वी के मोनोपोल का दो ध्रुवों में परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी के शक्तियों का केंद्रीयकरण बिखर जाता है और वो 13 चक्रों में पड़ जाता है, जो आज संसार में अलग अलग जगह पर है, और उसी चक्रों द्वारा पृथ्वी की शक्ति का संचार इस प्राणी जगत में होता रहता है। इन चक्रों का ज्ञान हम आत्माओं को द्वापर युग में हुआ था और हमने अपनी आत्मिक शक्ति से ये जान लिया था कि पृथ्वी की इन चक्रों को अगर ईथर ऊर्जा से हम चार्ज करेंगे तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी। इसलिए हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने पिरामिड आदि का निर्माण किया, जिसके कारण वो ईथर ऊर्जा इस धरती को मिल सकी और धरती में ऊर्जा का संतुलन बना के रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हम आत्माओं ने अपने विकर्मों द्वारा पृथ्वी पर बहुत सारे अत्याचार किए और साथ साथ पृथ्वी के इन चक्रों का संतुलन बिगाड़ते गए, जिसके कारण भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि बहुत संख्या में आ रहे हैं। जो सप्तऋषि तारे पहले एक ही लाइन में थे, वो अलग अलग दिशा में बंट जाते हैं और तारामंडल में राशि चक्र का निर्माण हो जाता है। इन्हीं राशि चक्र के तारामंडल का और ग्रहों का हमारे DNA पर प्रभाव पड़ता जाता है और वो हमारी कुंडली को प्रभावित करते हैं। जब हम देह अभिमान में आ गए, तब यही ग्रह और तारे हमारे जीवन की स्थिति को परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। यही ईथर शक्ति हमारे DNA की संरचना करते हैं और DNA फिर भौतिक शरीर का निर्माण करती है। यही कुंडलिनी शक्ति जो सतयुग में सहस्त्रा चक्र में थी, वो फिर से आज्ञा चक्र तथा द्वापर युग में हृदय चक्र और कलयुग में मूलाधार चक्र में आकर बैठ जाती है, जिसको जागृत कर
फिर से सहस्त्र में ले जाने का पुरुषार्थ योगी हठ योगी करते रहते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति इथर शक्ति का सूक्ष्म रूप है जो विज्ञान अभी तक नहीं खोज पाया। विश्व की घनता बढ़ने के कारण विश्व का प्रसारण होने लगा जो वैज्ञानिकों को अभी दिखाई दे रहा है। अधिक घनता होने के कारण ईथर ऊर्जा हर प्राणी मात्र में घटती जा रही है। इसके लिए अनेक आविष्कार किए जा रहे हैं। द्वापर युग के शुरू में मैटर और एनर्जी परिवर्तित होकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बन जाती हैं, जिसे अभी वैज्ञानिक खोज रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है हमारी संकल्प शक्ति, जिसमें आत्म अभिमानी की वजह देह अभिमानी की जागृति आ जाती है और हमारे विचार प्रकृति को अपवित्र बना देते हैं। हमारी पवित्रता ही प्रकृति के सारे तत्वों को नियंत्रित करती है। जब हम पवित्र थे तब प्रकृति हमारी दासी थी, और अभी जब हम अपवित्र बने तब हम प्रकृति के दास बने। हम आत्माओं की मानसिक शक्ति जो सतयुग में ब्रह्मांड की पिंडीय शक्ति के साथ सृष्टि पर खड़ी थी, वो द्वापर युग में अलग अलग हो जाती हैं। द्वापर युग में हम अपने आप को शरीर समझने के कारण दुखी और अशांत हो जाते हैं। हम आत्माओं का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं। इसी द्वापर युग से हर धर्म संस्थापक आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सभी धर्म आत्माओं ने ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, ध्यान सिखाया और कर्मों के गुह गति का ज्ञान समझाने का प्रयास किया। तब से पाप पुण्य की परिभाषा प्रचलित हुई। जो हम आत्माएं सतयुग त्रेता युग में जीरो विजन में थीं, वो द्वापर और कलयुग में नैरो विजन में चली गईं। अभी संगम युग में हम अभी एरो विजन में हैं। धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता सतयुग और त्रेता युग में एक के हाथ में थी, वह द्वापर और कलयुग में अनेक सूत्र में बिखर जाती हैं और अल्प लोगों में बट जाती हैं, जिससे हम दुखी और अशांत हो जाते हैं। पृथ्वी जो सतयुग में कमल जैसे खिली हुई थी, वो फिर द्वापर युग में ऑप्टिकल रेडियल बन जाती है, जिससे वो उसे गोल दिखाई देती है और फिर आगे चल के कमल जैसी बन जाएगी। द्वापर युग के आरंभ में हमारी पवित्रता भंग होने के कारण हमारे शरीर के डीएनए की संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म कृष्ण विवर बन जाता है। न्यूट्रॉन कणों के केंद्र में कृष्ण विवरों का निर्माण हो जाता है। हमारा डीएनए जो 100% पवित्र था और जिसमें ईथर शक्ति की अपने शरीर में सदा विद्यमान बनाने की यंत्रणा थी, वो समय अनुसार नष्ट हो जाती है और 10% ही जागृत रह जाती है और 90% बंद हो जाती है। इस 10% भाग में हमारे पूर्व जन्म के कर्म संकल्प की रिकॉर्डिंग बंदिस्त हो जाती है और उसी की बदली संरचना के कारण जो डीएनए का 10% भाग होता है उसका निर्माण होता है और उसके हिसाब से हमारे शरीर का निर्माण होता है। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि 90% डीएनए जैसे कि मरा हुआ है और वही मात्र 10% डीएनए के भाग को बना देता है। वो कैसे, इसका उत्तर आज के वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कलयुग। कलयुग के अंतिम समय पर स्वयं परमात्मा 1936 में इस भारत भूमि में साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा इस सारे ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत के कर्मों का ज्ञान देते हैं, जिसे दिव्य अवतरण कहा जाता है। जब स्वयं परमात्मा भारत भूमि पर आते हैं, तब उनके सर्वोच्च ईथर शक्ति के भंडार होने के कारण इस भारतीय भूखंड की चुंबकीय शक्ति बढ़ने लगती है। इस ईथर ऊर्जा के कारण वैज्ञानिकों को E=MC² आदि अनेकानेक शोध लगने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय गुरुत्वीय बल बढ़ने का कारण है विश्व का गुरुत्वीय केंद्रीय बल, जो ब्रह्मांड में ध्रुवीय तारा के ऊपर बना हुआ है। वो विश्व का प्रसरण होने के कारण तथा अवकाश ब्रह्मांड की चक्रीय गति बढ़ने के कारण धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये ध्रुवीय तारा आने वाले समय में पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा, जिसके कारण उसकी स्वर्णिम प्रकाशमान ईथर ऊर्जा से प्रकृति के मूलभूत ऊर्जा का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है, वो बैड कंडक्टर बन जाएगा और दुनिया के सारे संगणक और इलेक्ट्रॉनिक साधन बंद हो जाएंगे। सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां बंद होने के कारण
दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और साथ साथ यूरेनियम आदि धातु में अपने आप विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाएगा, जिससे दुनिया भर में बने हुए आणविक शस्त्रों का अपने आप विस्फोट हो जाएगा, जिससे सृष्टि पर महापरिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का पहला चरण आणविक शस्त्रों के भयंकर विस्फोट से सृष्टि परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा। अणु बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रचंड विस्फोट पृथ्वी पर छोटे सूरज का काम करेगा। आणविक बॉम्बों से करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान थोड़े समय के लिए हो जाएगा, जिसे सारे धातु मनुष्य संपत्ति वस्तुएं और पर्वत आदि विस्फोट होकर पिघल जाएंगे। अणु बॉम्ब के इसी ऊर्जा पिघलने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय गाभा के ऊपर बना सिलिकॉन पूरी तरह से पिघल जाता है। पृथ्वी के समुद्र में बरमुडा और फॉर्मोसा ट्रायंगुलर क्षेत्र हैं। वो पृथ्वी के केंद्रीय गाभा के दो द्वार हैं, जो सिर्फ पानी से ढके हुए होने के कारण पृथ्वी के सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बल के क्षेत्र में हैं। इसलिए कोई भी हवाई या पानी पर चलने वाला जहाज इन क्षेत्रों में जाते ही गायब होकर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों को डेविल सी कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा के द्वारा प्रचंड विद्युत शक्ति से पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पुनः चार्ज होगा। अंत में इस अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा की शक्ति से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा के बीच का विद्युत विरोधक द्रव्य पिघल जाता है, जिससे सारी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में परिवर्तन आ जाएगा और यही परिवर्तन पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को समाकर एक ही मोनोपोल में परिवर्तित कर देगा। आइंस्टाइन बोसोन कंडेंसेशन की भाषा में पृथ्वी का केंद्रीय गाभा एक सुपर एटम बन जाएगा और पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जिसका केंद्र भारत होगा। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में परिवर्तन आने के कारण दुनिया में अनेक तूफान सुनामी चक्रवात और भूचाल आदि ज्यादा संख्या में आ जाएंगे। दुनिया का 96% बर्फ जो दोनों ध्रुवों पर जमा है वो पिघल जाएगा और समुद्र की ऊंचाई 300 से 400 फीट बढ़ जाएगी, जिससे दुनिया भर में समुद्र किनारों पर बसे सारे शहरों का विध्वंस हो जाएगा। दुनिया के सारे भूखंड विध्वंस होकर भारत की ओर केंद्रित हो जाएंगे, जिसे हम पेंजिया और गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और विशाल है। वैज्ञानिक जिन क्रियाओं को होने के लिए लाखों करोड़ों साल का समय लगता है, ऐसा मानते हैं कि वो क्रियाएं पलक झपकते ही कुछ ही समय में शुरू हो जाएंगी और इस पृथ्वी के ध्रुवों का केंद्रीयकरण होकर पृथ्वी पर बिखरे हुए सारे शक्तियों के चक्रों का ईथर शक्ति द्वारा एक ही मोनोपोल में केंद्रीयकरण हो जाएगा, जिसके द्वारा सारे पृथ्वी पर वो ईथर शक्ति सभी प्राणी मात्रा और प्रकृति की ऊर्जा में निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। यही ईथर शक्ति ब्रह्मांड में सारे क्वांटम चेंजेस लाएगी, जिसके कारण मानो बिग बैंग जैसे परिस्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि परमात्मा जो 10 मितीय विश्व में रहते हैं वो इसी सूक्ष्म ईथर शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड और सृष्टि के हर कणों का विकेंद्रीकरण बाहर की दुनिया से करेंगे, जिससे थर्मोडायनामिक के दूसरे नियमों द्वारा सृष्टि की एंट्रोपी शून्य हो जाएगी। ब्रह्मांड के सारे भौतिक कणों का विकेंद्रीकरण की स्थिति बन जाती है, जिसका प्रतिबिंब उन्हें अभी के ब्रह्मांड के कणों में प्राप्त होता है, जिस कारण वो सोचते हैं कि ये सारे कण कभी एक समय एकत्रित थे और आज बिखर गए, जिससे आगे चलकर ये विद्यमान जगत बन गया। परमात्मा की पराशक्ति के द्वारा हमारे मस्तिष्क में द्वापर युग के आरंभ में जो सूक्ष्म कृष्ण विवर बना हुआ था वो नष्ट हो जाएगा और हमारा अचेतन मन पूरी तरह खुल जाएगा और दुनिया की सभी आत्माओं को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम वास्तव में आत्मा हैं और न कि ये भौतिक शरीर, और साथ साथ अपने सच्चे आत्मिक पिता का ज्ञान संसार की सभी आत्माओं को होगा, जिससे सारे संसार को ईश्वर का परिचय और अनुभव हो जाएगा। अंत में न्यूट्रॉन कणों का कृष्ण विवर भी नष्ट हो जाता है। शुभ्र और कृष्ण विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के मध्य का अंतर समय के साथ साथ कम होता जाता है, जो अब बहुत कम है और आगे चलकर ये और कम हो जाएगा। इसके कारण प्रकाश की किरणें अधिक वक्रमान हो जाती हैं, जो कि शुभ्र विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र की शक्तियों के साथ का संबंध है। अभी ध्रुवीय तारा नीचे आने के कारण
ब्रह्मांड के मध्य भाग में आकाश तत्व फैल रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को ये विश्व प्रसरण होता हुआ नजर आता है। उन्हें आकाश गंगा एक दूसरे से अधिक दूर जाती दिखाई दे रही है। तारों का दूर जाना प्रकाश की स्पेक्ट्रम से पता चलता है। अभी प्रकाश की तरंगों में रेड शिफ्ट इसी के कारण मिल रही हैं। ध्रुवीय तारा की गति हमारे मानसिकता की पवित्रता पर आधारित होती है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हमारी पवित्रता में निरंतर गिरावट आने के कारण हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो सतयुग त्रेता युग में सहस्त्र चक्र में थी, वो आज्ञा चक्र, फिर हृदय चक्र और अभी कलयुग में मूलाधार चक्र में आ जाती है। इसके कारण ध्रुवीय तारा भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है और साथ साथ पृथ्वी के संग उसका केंद्र बिंदु थोड़ा झुकना शुरू हो जाता है, जो अभी कलयुग में 23.5 अंश तक आ जाता है। इसलिए सारा आकाश तत्व हमें अभी 23.5 अंश झुका हुआ नजर आता है। सहस्त्र चक्र से नीले रंग की प्रकाश की किरणें फैलती हैं और मूलाधार से लाल रंग की, जो अभी विश्व में हमें तारों से प्रकाश की लाल रंगों की तरंगें मिल रही हैं। ब्रह्मांड का इस तरह फैलना और फिर सिकुड़ जाना, इसके कारण वैज्ञानिक इसे बिग बैंग द्वारा निर्माण हुआ बताते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड अनादि है। इसका न कभी निर्माण हुआ है और न ही कभी अंत होगा। सिर्फ ब्रह्मांड का परिवर्तन ही होता है। अभी ध्रुवीय तारे के नीचे आने की गति ज्यादा होने के कारण ब्रह्मांड में कई जगह आकाश गंगाएं पीछे से खींचती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे वैज्ञानिक डार्क फ्लो प्रॉब्लम बता रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वैज्ञानिकों ने जो उपग्रह ब्रह्मांड में दूर भेजे थे, वो फिर से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, ये उन्हें पता नहीं चल रहा। इस ब्रह्मांड की चक्रीय अवकाश प्रणाली का ज्ञान उन्हें नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा है। पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पूरी तरह चार्ज होने के कारण पृथ्वी के ऊपर का आकाश तत्व भी बहुत चार्ज हो जाता है, जिससे सारा तारामंडल बहुत धीमी गति से घूमेगा और पृथ्वी पर दिन रात 21-21 घंटों के हो जाएंगे। वो फिर त्रेता युग में 18-18 घंटों के, द्वापर युग में 15-15 घंटों के और अभी कलयुग में 12-12 घंटों के हो जाते हैं। आने वाले समय में ध्रुवीय तारा जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ और नजदीक आ जाएगा, जिससे तारामंडल और तेज गति से घूमना शुरू होगा, उसके कारण दिन रात 9-9 घंटों के हो जाएंगे और प्रकाश की गति भी 10 गुना बढ़ जाएगी। माना वो 30,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तारामंडल में अनेक तारे फूटते हुए नजर आएंगे तथा कोई कोई तारे ब्राउनियन गति की तरह इधर उधर घूमना शुरू हो जाएंगे। ध्रुवीय तारा की ईथर ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ऊपर बने अवकाशीय प्रणाली में जो कृष्ण विवर बने हुए थे, वो नष्ट हो जाएंगे और संसार को दक्षिण ध्रुव के बाहर के खंडों का ज्ञान हो जाएगा तथा सारे छोड़े गए उपग्रह इसी धरती पर, इस अनजान भूमि पर गिरे हुए मिलेंगे और इस अनजान भूमि पर जो पशु प्राणी रहते हैं, वो इस जगत में आने का प्रयास करेंगे। अभी भी उस जगत में डायनासोर जैसे प्राणियों का वास्तव्य है, जिसका निर्माण कलयुग की शुरुआत में पेशियों में जीवन ऊर्जा कमी होने के कारण प्रकृति की कार्बन तत्वों से शुरू हो जाता है। दक्षिण ध्रुव की विद्युत चुंबकीय शक्ति के कारण इस बार चक्रीय अवकाशीय भौगोलिक संरचना के कारण वो यहाँ आ नहीं सकते और हम वहाँ जा नहीं सकते। जब कृष्ण विवर नष्ट होगा, तब ये सारी जाति प्रजाति ईथर ऊर्जा के कारण नष्ट हो जाएंगी और इनकी देह पृथ्वी के भूखंडों में दफन होने के कारण हमें अगले कल्प में फिर से तेल, कोयला व गैस आदि प्राप्त होंगे। अंत समय में वो वास्तविक रूप में डायनासोर्स को इस दुनिया में थोड़े समय के लिए घूमता हुआ जरूर देखेंगे। इस स्मृति के कारण आज लोगों ने इस पर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जो होने वाली घटनाओं का सूचक उनके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता था, जिसके कारण उन आत्माओं को ऐसी दृष्टि आई थी और उसके आधार पर ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ। जब ध्रुवीय तारा की शक्ति के साथ साथ वो पराभौतिक ईथर शक्ति O9, जो अति शक्तिशाली और दिव्य भूत है, उसकी शक्ति सारे ब्रह्मांड के पांचों तत्वों के कणों में मिल जाएगी,
जिससे तत्वों के कणों का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाएगा और साथ साथ परमात्मा और अन्य पवित्र आत्माओं का आत्मिक बल इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का केंद्रीयकरण करेगा, जिससे विश्व की अनावश्यक ऊर्जा शून्य हो जाएगी। और थर्मोडायनेमिक सिद्धांत के दूसरे नियमानुसार विश्व में ऊर्जा का केंद्रीयकरण बाहरी शक्ति से होगा, जिससे ये सारा ब्रह्मांड ईथर शक्ति के द्वारा पुनः रीसेट हो जाएगा। ये अति शक्तिशाली ईथर O9 ईश्वर का अपना पारसमणि है, जो अति सूक्ष्म दैव भूमि के संरचना के द्वारा सारे तत्वों को शुद्ध रूप में लाता है। प्रकृति का हर भौतिक कण अपनी पूर्ण ऊर्जा स्वरूप में आ जाएगा। प्रकृति के इस तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था के परिवर्तन को हम विनाश के रूप में देखेंगे, लेकिन वास्तव में ये विनाश नहीं है, ये स्वर्णिम सृष्टि की संरचना का उदय है। मनुष्य आत्माओं की पवित्रता इस ब्रह्मांड की ग्रेविटी को नियंत्रित करती है, ये सत्य सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। वर्तमान समय में ब्रह्मांड का ध्रुवीय तारा, जिसमें ईथर शक्ति O9 भरी हुई है, वो एक स्ट्रिंग की तरह इस धरती की ओर आ रहा है और उसके साथ साथ परमात्मा की सर्वोच्च पराशक्ति भी आ रही है, जिसके कारण सारा विश्व एक वैश्विक मोड़ लेगा और इस सृष्टि चक्र में पुनः नए स्वर्णिम युग का शुभारंभ होगा। ईथर शक्ति प्रकृति के पांचों तत्वों एवं प्राणी मात्राओं का और परमात्मा की पराशक्ति मनुष्य आत्माओं का संपूर्ण शुद्धिकरण कर उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी। इसलिए इन दोनों शक्तियों को लाने वाले ध्रुवीय तारा को परमात्मा का पारसमणि कहते हैं, जो सारे विश्व को संपूर्णतः परिवर्तन कर नए सतयुगी सृष्टि का निर्माण करता है। ध्रुवीय तारा धरती के नजदीक आकर फिर अपने पूर्व स्थान पर चला जाएगा, जिसे इसी समय सारा संसार प्लैनेट एक्स एवं निब्रू के रूप में चर्चा कर रहा है, वो भी पृथ्वी के नजदीक से आकर चला जाएगा। ध्रुवीय तारा के अपने स्थान पर जाने के बाद सारे ब्रह्मांड का विस्तारीकरण रुक जाएगा और साथ साथ केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य हो जाएगा और ब्रह्मांड फिर अपने पहले के स्थान में आ जाएगा। सारी आकाश गंगाएं, तारे, सूर्य, चंद्र आदि पृथ्वी पर सतयुग में जैसे घूमते थे वैसे ही घूमना शुरू कर देंगे। प्रकाश की गति धीमी होने के कारण पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर भेजे गए सारे उपग्रह नजर आने लगेंगे, जिससे पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चकती रूप में है, ये अद्भुत सत्य सारे संसार के सामने आ जाएगा। प्रकृति तथा विराट ब्रह्मांड की ये क्रिया अति विशाल और अद्भुत गोपनीय है, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। ये सारे सत्य हमें आने वाले समय में प्रत्यक्ष मिलेंगे। माउंट आबू, सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का स्थान। पृथ्वी की सारी प्राचीन संस्कृतियां, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, माया संस्कृति के पिरामिड्स आदि पृथ्वी के ले लाइन पर विकसित हुई हैं। प्राचीन संस्कृतियों ने इन्हीं स्थानों से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा को ईथर ऊर्जा मिलने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो ईथर शक्ति मिल सके। अगर इन्हीं स्थानों को एक रेखा से जोड़ा जाए तो उस पर माउंट आबू, ये भारत का स्थान अरावली पर्वत में आता है। इस स्थान के अक्षांश और रेखांश देखा जाए तो 24 नॉर्थ अंश और 72 ईस्ट अंश पाए जाते हैं। ध्रुवीय तारा का पृथ्वी के साथ का 23.5 अंशों का झुकना और आकाश तत्व पृथ्वी के साथ 72 अंशों में उठना इसी माउंट आबू स्थान पर मिल जाता है, जो पृथ्वी का अभी केंद्र बिंदु है। तो विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। जिस प्राचीन राजयोग को सीखने की चाहत सारा संसार करता है, उसी राजयोग को सिखाने के लिए स्वयं सर्वोच्च परमात्मा शिव इस माउंट आबू की धरा पर आकर सारे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रकृति की होने वाली विराट परिवर्तन क्रिया की घटना को हम विनाश के रूप में देखेंगे। उस समय धरती का गुरुत्वीय केंद्र आबू पर्वत के नीचे होगा, जहाँ पारा भारी मात्रा में है और यही गुरुत्वीय केंद्र उस परम धाम के शुभ्र विवर के गुरुत्वीय केंद्र से सरल रेशा में जुड़ जाएगा और विश्व की समस्त आत्माओं को परमात्मा धर्मराज के रूप में फिर से शुद्ध बनाकर वापस घर ले जाएगा।
परम धाम के शुभ्र विवर का द्वार हर 5000 वर्ष के बाद खुलता है। ये एक रिवर्स क्लिकिंग मैकेनिज्म है जो अति अद्भुत है। जिस समय शुभ्र विवर का द्वार खुल जाएगा, तब सारी आत्माएं आबू पर्वत के केंद्रीय गुरुत्वीय स्थान से परम धाम की ओर वापसी की यात्रा करेंगी। इस भारत भूमि पर फिर से सतयुग शुरू होगा और श्री कृष्ण श्री राधे की आत्माओं का जन्म होगा। सृष्टि की फिर से हूबहू पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये सृष्टि हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू घूमती रहती है। ये एक अद्भुत और अति गृह रहस्य सिर्फ परमात्मा हमें बता सकते हैं। इस भारत भूमि पर स्वयं परमात्मा का दिव्य अवतरण पिछले 78 साल से हो रहा है, जो कि एक बहुत अद्भुत और दिव्य घटना है। लेकिन वर्तमान समय में मानव अपने इंद्रियों और सुख साधनों में इतना खो गया है कि वो इस सत्य को बार बार ठुकरा देता है। अंत में वो आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना और उसके कहने पर अपना जीवन व्यतीत किया, उसे आने वाले स्वर्णिम सृष्टि में परमात्मा देवी देवताओं के स्वरूप में ईश्वरीय जीवन बहाल करेगा। वर्तमान समय में स्वयं सभी आत्माओं के पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को आने वाली नई सृष्टि का उपहार देने आया हुआ है। इसलिए हरेक आत्मा अपना उपहार उस परम पिता परमात्मा से लेकर स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से भरपूर करे, जिससे इस पृथ्वी पर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में वो जाने के लायक बन सके तथा ईश्वर के इस महान कार्य में सहयोगी बनकर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि का निर्माता बनकर अपना भाग्य बनाए। एक ओर सारी मानव जाति उस ईश्वर को मंदिर मस्जिद गिरजाघर में ढूंढ रही है तथा दुनिया के सारे वैज्ञानिक संशोधन कर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर स्वयं परमात्मा शिव अरावली पर्वत में स्थित माउंट आबू की सुंदर वादियों में नए स्वर्णिम सृष्टि की कलाकृति बना रहे हैं। ये सत्य आने वाले समय में सारे संसार के सामने उजागर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया भर के निकोला टेस्ला के चाहने वाले इस बात को मान रहे हैं कि वो महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला दुनिया में फिर से आएगा, क्योंकि टेस्ला ने खुद जुलाई 17, 1930 में कहा था, अभी नहीं, लेकिन भविष्य में उचित समय आने पर मैं कुछ ऐसी उद्घोषणा करूंगा जो कि आपने किसी परिकथा में भी नहीं सुनी होगी। अब वक्त आ गया है कि ये संसार उस महान निकोला टेस्ला के विज्ञान की झलक फिर से देखेगा। निकोला टेस्ला का अनंतता और अमरत्व का विज्ञान दुनिया के सामने आने वाले समय में होगा। आने वाली अद्भुत और दिव्य स्वर्णिम दुनिया के लिए विज्ञान और पराभौतिक शक्ति दोनों दिव्य कार्य करेंगे और इस विश्व में आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम होकर एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। हम दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को इस महान कार्य के लिए निमंत्रित करते हैं। इस फिल्म को देखकर आपके मन में जो भी अभिप्राय और शंकाएं हैं, वो आप हमें जरूर लिखें।